Hello everyone, welcome back. In this video, we are going to discuss a previous year question on NABH for Raging. ठीक है, जो NABH for Raging है, मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. जो NABH for Raging है वो काफी इंपॉर्टेंट रेजेंट है, इसमें बहुत से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. और गैनिंग में क्या होता है कि हमें थ्योरी पढ़ते रहे लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो हम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ये नेट दिसंबर 2019 में आया हुआ है. तो इसमें क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप लिख रहा है और ये हमने टोसाइल NH NH2 डाला हुआ है. ध्यान रखना, जब भी कार्बोनिल हो और साथ में कोई भी R NH2 होगा तो इसके कुछ भी जो भी जब भी होगा तब हमने क्या कर देना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड N और R, और ये जो ग्रुप है वो ऐसा रहेंगे. तो इसमें भी NH2 ग्रुप है, बाकी ग्रुप जो है वो ऐसा रहेंगे. मैं यहाँ पे बना रही हूँ, सो डबल बॉन्ड ऐसा, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा और डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड N, और बाकी जो NH और टोसाइल है वो ऐसा आ जाएंगे. ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, जैसे भी है ये ऐसे करके फिर ऐसे, ये बन गया फर्स्ट रेजेंट डालने के बाद. अब हम सेकंड डालेंगे, वो क्या है, NABH3CN. ये क्या है, डेरिवेटिव है NABH4 का. तो ये सेम काम करेगा जो NABH4 करता है. NABH4 क्या करता है, H नेगेटिव देता है, तो ये भी क्या करेगा, एच नेगेटिव देगा. ये थोड़ा उसके कंपैरेटिवली थोड़ा वीक होता है, सो ये एच नेगेटिव देगा. तो इसमें इस पूरे ग्रुप में कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन इज अटैच टू डबल बॉन्ड N, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है. यहाँ पे एच नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा. जब एच नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये टोसाइल ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा. जो टोसाइल ग्रुप होता है वो बहुत अच्छा क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है. जब भी हो ना टोसाइल ग्रुप, ब्रोमीन क्लोरीन ये निकल नहीं होते हैं. हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला तो पूरा ऐसा रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड. अब यहाँ पे क्या आया था, एच आया था और ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हो गया था और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया था, यहाँ NH आ जाएगा. अब यहाँ पे होगा 1,5 हाइब्रिड शिफ्ट. ये मैंने सारा अपनी वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया, सो प्लीज आई वुड सजेस्ट कि आप उस वीडियो को देखो. 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट मैं ऊपर बनाती हूँ, ये अच्छे से समझ आएगा. 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट ही होता है इसमें, 1,3 शिफ्ट नहीं होता, सिर्फ 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट ही होता है, ये बात का हमें ध्यान रखना है. तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे NO टू साइड, सॉरी H. अब क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये एच यहाँ से निकल आएगा और इसके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो एच नेगेटिव यहाँ पे अटैच होएगा. और जब ये डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, ये नाइट्रोजन के फॉर्म में निकल जाएगा, तो N2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, माइनस N2. ये ध्यान से देखना ये कैसे हुआ है मैकेनिज्म इसका. जो ये वाला अच्छा है मैं यहाँ पे बना रही हूँ पूरा ऐसे. सो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये वाला एच यहाँ पे आया, जब ये यहाँ पे आया तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया. जब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक कर गया. क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन अब हायर कार्बन की 5 वैलेंसी होगी और ये नाइट्रोजन की फॉर्म में बाहर निकल गया. सो एंड में हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा. देखो कौन से ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन है, यहाँ पे OAC है, यहाँ पे लिखा हुआ OAC. सो ये वाली ऑप्शन है, ये वाला बनेगा. ओके, सो इसका ना एक शॉर्टकट भी होता है. शॉर्टकट क्या होता है, जब भी 1,5 हाइड्राइड, ये क्या हुआ है, 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है ना. सो जब भी 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट होना होता है तो सिंपली हमने क्या हुआ है, फाइनल अगर हम देखें रेक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या फर्क आया, ये डबल बॉन्ड, बस ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया यहाँ से लेके,
और ये वाला ग्रुप जो है वो लीक कर गया। तो इसका शॉर्टकट भी है, अगर हम आप एग्जाम में एक मैकेनिज्म भूल जाओ तो यही करना है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो हमने पहले देखना है 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। सो 1,5 इसको 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट क्यों बोला जाता है, एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट क्यों बोला जाता है, यहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन था, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन था, यहाँ पे एच था, है ना। सो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ओके। सो 1 और 5, 1 से चलाते जाके 5 पे हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट होगी, इसलिए इसको बोला जाता है 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट कभी नहीं होगा। तो क्या करना है, जब भी 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी हो तो हमें हमने क्या करना है, ये वाला जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देना है यहाँ पे, और ये वाला ग्रुप जो है वो हटा देना है। ठीक है, ऐसे कर देना। सो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन, ये नेट जून 2019 में आया हुआ। सो इसमें भी क्या दिया हुआ, NaBH3CN, सिर्फ यही रीजन दिया हुआ, इस पे ही क्वेश्चन आया हुआ। यहाँ पे NaBH3CN दिया हुआ है, ये किसका डेरिवेटिव है, NaBH4 का, तो ये भी H नेगेटिव थी। तो एक्चुअली ये ना कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि NaBH3CN दे दिया, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा रीजन पूछ लिया। ठीक है, तो NaBH3 है, सबसे पहले मैंने बताया था अपनी वीडियो में, मैंने डिस्कस किया हुआ है कि NaBH4 ये एस्टर को रिड्यूस कभी नहीं करेगा। एस्टर को रिड्यूस, यहाँ पे क्या दिया हुआ, एस्टर है और यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है, कीटो ग्रुप है, तो ये एस्टर को रिड्यूस करता ही नहीं है, क्या सिलेक्टिव रेजेंट है, एस्टर को रिमूव करेगा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, ये चार ऑप्शन दी हुई है, ऑप्शन को ना हमेशा एलिमिनेट करो तो पॉसिबिलिटी गलत होने की कम हो जाती है। यहाँ पे देखो वो ऑप्शन को क्रॉस कर दो जिसमें एस्टर को रिड्यूस किया हुआ है, इसमें किया हुआ है नहीं, इसमें क्या है नहीं, लेकिन जो ऊपर वाली दो ऑप्शन है ए और सी, इसमें एस्टर को रिड्यूस किया हुआ है, और हमें पता है NaBH4 एस्टर को रिड्यूस कभी भी नहीं करेगा, तो ये दोनों ऑप्शंस गलत होंगे। अब 50% आएगा, अब चांसेस गलत होने के क्वेश्चन के हमारे कम हो गए। अब क्या होगा, ये हो गया, ये दोनों ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है, दोनों ही जगह ये डबल बॉन्ड ओ को रिड्यूस किया हुआ है, तो प्रॉब्लम इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री अब डिसाइड करनी है कि ये अबव द प्लेन ओ एच आएगा या बिलो द प्लेन ओ एच आएगा। अब यहां से आएगा एच नेगेटिव, क्या आएगा, एच नेगेटिव मीन्स इस रिंग पे कौन अटैक करेगा, एच नेगेटिव, और हमें देखना है कि एच नेगेटिव जो है वो अबव द प्लेन अटैक करेगा या बिलो द प्लेन अटैक करेगा। ये जो रिंग होती है ना, जब 5-5 मेंबर रिंग तो आपस में मिलती है ना, इसमें जो भी ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन होती है, जैसे यहाँ पे ब्लो द प्लेन है ना, तो इनकमिंग ग्रुप जो है वो ब्लो द प्लेन ही आएगा। क्या होता है इस ग्रुप में कि दो 5 मेंबर रिंग्स है, एक कैविटी सी बनी होती है, मतलब कैविटी अब क्या है, ब्लो द प्लेन ऊपर कैविटी होगी। ठीक है, अब के यहाँ पे क्या है, ब्लो द प्लेन ग्रुप दिए हुए हैं, इसका मतलब जो कैविटी है वो ऊपर है, सॉरी नीचे है, कैविटी नीचे है, मतलब जो ग्रुप है वो नीचे से ही अटैक कर सकता है, या दोनों ग्रुप, हमने यही ध्यान रखना है जिसमें 5 मेंबर रिंग में जो ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री दी हुई है उसी ग्रुप की, वही स्टीरियो केमिस्ट्री से जो इनकमिंग ग्रुप है वो एंटर करेगा। ओके, तो यहाँ पे एच जो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या दी हुई है, ब्लो द प्लेन दी हुई है ना, तो ब्लो द प्लेन देने से, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूं, यहाँ ब्लो द प्लेन दी हुई है, ये CO2 AT की भी और H की भी, जो जंक्शन पे स्टीरियो केमिस्ट्री है ना उसका मेनली ध्यान रखने होता है। अब क्या होगा, जो इनकमिंग ग्रुप है यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है, इनकमिंग ग्रुप कहाँ से आएगा, ब्लो द प्लेन ही आएगा। अब ये ब्लो द प्लेन जब अटैक करेगा, ये ब्लो द प्लेन ऑब्वियसली जो अब OH है वो क्या यहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन चला जाएगा, मतलब कि ये वाला जो है वो ब्लो द प्लेन आया, यहाँ पे H, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे CO2 ET है, अब ये कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन, और H जो है वो ब्लो द प्लेन। अब देख लो H कौन से बबल, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बस यही होता है जब दो 5 मेंबर रिंग अटैच हो, जो रिंग के जंक्शन पर जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ना,
इनकमिंग ग्रुप वही फॉलो करेगा। ओके सो आप देख सकते हो NABH4 रीजन कितना इंपॉर्टेंट है। एक ही साल में दिसंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और जून में भी, और टोटली इसके बेसिस पे। नेट में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जो एक ही टॉपिक से पूछे जाते हैं, नहीं तो हमें पता है कि नेट में जो क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक में वो मिक्सचर ऑफ टॉपिक से पूछा जाता है। सो यहाँ से एक ही टॉपिक में क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल है, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, प्लीज उसको देखो तो आप इजिली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे NABH4 रीजन पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच।